लेडीज एंड जेंटमैन फोर्टी एथ मॉड्यूल रैशनल लीगल अथॉरिटी कर लीजिए बिरसी और ब्रेटिक आइडियाज ये समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या है लीगल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि कानून ने आपको क्या दिया तारीखी तौर पर हमने देख लिया पिछली स्लाइड में भी हमने देखा कि आपको ट्रेडिशनल पैटर्नस के ऊपर एक लॉ मिल जाता है अगर मुग़लों ने एक कानून बनाया तो वो आगे तक चला फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने पाकिस्तान के लिए बनाया या हिंदुस्तान के लिए बनाया तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के अंदर अभी भी ब्रिटिश कवानीन के बहुत सारे सेंक्शन्स पड़े इसी तरीके से पुलिसिंग के लिए फ़ौज के लिए ब्योक्रेटिक क्लैरिकल डिपार्टमेंट्स के लिए मुख्तफ और स्ट्रक्चरस के लिए वही पुराने कवानीन चलते आ रहे हैं अच्छा आज इसको सात लफ्ज़ एड करना चाहिए कंसेंसस का सो so, कंसेंसस यहां पर माइनस हो जाता है यहां के नए दौर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंसेंसस की ज़रूरत होती है कि नए कवानीन आ गए यानी आपकी ज़मीनें ज़मीनों का इंतकाल है और आपको जमीनें कैसी दी जाएंगी कमर्शियल यूज़ के लिए कैसी दी जाएंगी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ्रेंचाइज बनानी है तो किस तरह दी जाएंगी आ, बाप दादा के नाम पर ज़मीन थी या दस साल दस पुश्तें पीछे जाना पड़ेगा तो वही जो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है उसके तहत प पटवार खाना चल रहा है फिर गर, गर्दावर है गर्दावर के बाद आपका जो है तहसीलदार आ जाता है तहसीलदार के बाद आपका मजिस्ट्रेट आता है मजिस्ट्रेट के बाद आपका असिस्टेंट कमिश्नर आता है फिर आपका डिप्टी कमिश्नर आता है एंड देन कमिश्नर तक बात पहुंचती है ये पूरी हरारकी का स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कंसेंसिस की जरूरत है और ये बच्चा बच्चा जानता है कि प्रॉब्लम क्या हो जाता है अच्छा ये वो कानून और विरासती कानून है जो कि अभी तक चेंज होने की जरूरत है जो कि डिजिटाइज होंगे तो कानून तब्दील होंगे लेकिन वो सकना नंबर और बाकी सारे मामला किस तरह से तब्दील होंगे इसके लिए कंसेंसिस की जरूरत है जो का का। कि गवर्नमेंट का काम सेम एज आपका वास्ता जब कॉपोरेट में भी होते हैं तो बिजनेस में तो पढ़ना है आपने कौन सी सोसाइटी में लेनी कौन सी जमीन लेनी आपको इन सारे तरीका कार से गुजरना पड़ेगा आप जितने भी मर्जी बड़े आंठ हो गए तो आपको पता चलेगा कि शाम लॉट की जमीन कैसे लेते हैं और अगर आपको जो है वो फ्री जमीन किससे लेते हैं एल डी ए के तहत जमीन कौन सी वाली है और अगर आपने जो है रेवेन्यू और लैंड ऑफ रेवेन्यू की जमीन क्या कौन सी है फौज के दायरा कार में जमीन कौन सी आती है नेवी के दायरा कार में कौन सी आती है वापदा की जमीन कौन सी है और इसके लिए कौन कौन से मॉड्यूल्स की जरूरत है यानी आपको कानून समझने की फिर भी बारहा जरूरत रहती है लेकिन इसको इसी तरीके से इसको अचीव करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा लाइसेंसिंग आ गई फिर कस्टम्स आ गया फिर आपकी फ्रेट चार्जेस आ गई तो कानून और गवर्नमेंट तो आपके साथ साथ चलेगी अब आप इसको कै, कैसे बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल पुराना कानून बन गया आप कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहते होंगे कि है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें तो इसके लिए आपको कानून में अमेंडमेंट चाहिए इसको अमेंडमेंट कहते हैं अच्छा शरण शरीयत के लॉ के अंदर भी इसको लफ्ज इश्तेद का है यानी जब ऐसी चीजें आ जाए जो कि कुरान और सुन्नत के इस दौर में नहीं होती थी अगर इस दौर में आपके पास आ जाए तो उसके ऊपर भी आपको बेरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जरूर बनाना पड़ेगा यानी उसका कोई कानून अखज करना पड़ेगा उसका लॉ कोई बुनियाद बनाना पड़ेगा लॉ चाहिए क्यों किसी भी सोसाइटी को मैनेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ऐसी ही हैसियत है कि जैसे सूरज के टाइम पर निकलने की और चांद के टाइम पर गुरूब होने की अगर ये दोनों गडमड हो जाए तो जिस तरीके की तबाही वहां आएगी वैसी तबाही यहां आएगी इसको लीगल फ्रेमवर्क कहते हैं और लीगल अथॉरिटी कहते हैं चांद की लीगल अथॉरिटी अलग है सूरज की लीगल अथॉरिटी अलग है ये मैंने मेटाफोरिकली समझा दिया इसको आप बाईपास नहीं कर सकते अब चांद सूरज के टाइम के अंदर वो अपने टाइम पर निकल आया अब इनोवेशन यहाँ पर यह होगी जो मैं समझाने लगा अब उस सूरज के ज्यादा होने पर आप कौन सी फसलें लगा लें और कितना बेनिफिट उठा लेंगे इनोवेशन इनोवेशन ये इनुवेशन? इनुवेशन नहीं है कि आप जो है वो सूरज को लेट निकालें या सूरज के कानून को तब्दील करें या कुदरत के निजाम के अंदर टांग अड़ाना शुरू कर दें अब चांद है तो चांद के अंधेरे के अंदर आप क्या निकाल सकते हैं आप रात के टाइम पे कौन से ऐसे मामला कर सकते हैं ऐसे कौन से ऐसे बिजनेसेस कर सकते हैं कौन से ऐसे चीजें डेवलप कर सकते हैं वो क्या क्या मामला हो सकते हैं जिसके ऊपर आप कर सकते हैं तो यूटिलाइजेशन अंडर द सर्कम यानी टाइम एंड स्पेस अथॉरिटी के तहत आपने करनी होती है ये नहीं है कि इनोवेशन में आपने चांद को तब्दील कर दे तो ये नहीं होना ये ये नहीं हो सकता कि आप जो चांद को दिया बना दें सूरज का लैंप बना दें ये इनोवेशन आप कुदरत के निजाम में नहीं कर सकते इसी तरह बेरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर भी आप तब्दीली नहीं ला सकते समझने की कोशिश करते हैं जी अथॉरिटी क्या लीगल अथॉरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ बेरोक्रेटिक अथॉरिटी जैसे हमने डिस्कस किया वेयर पावर इज दिजिट मेज द लीगली इनेक्टेड रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बार बार कहा

क्या किस तरह किस से किसके पास जाएगा टू होम इट मे कंसर्न यानी टॉप टू बॉटम बॉटम टू अप कई लोग ये पूछते हैं कि ऑन्टरप्रन्य के अंदर जो हैरारकी खत्म कर देनी पड़ती है भाई जब छोटा सिस्टम होता है तब हेरारकी बनाए ना बनाए जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर की हेरकी नहीं बनाएंगे डिवीजन नहीं करेंगे और मॉडरेशन uh, नहीं करेंगे और अथॉरिटी uh, को डिवाइड नहीं करेंगे स्ट्रक्चर्स के अलग अलग नहीं डिवीजन बनाएंगे ये नहीं चलेगा दैट्स कॉल्ड दैट डिफाइंस द ऑब्लिगेशन एंड राइट यही डिफाइन करते हैं आपकी आप कितने ऑब्लिगेशन uh, uh, आप पर क्या है और आपकी राइट्स क्या है तो दूसरे पे हम देखेंगे दिस इज लार्जरी रिस्पेक्टेडेंस एंड लेट लॉज एंड प्रोसीजर बेस्ट ऑफ अपॉन दीपल इन द अथोरिटेटिव पोजिशन दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारी जो पोजिशन पर बैठे होते हैं लोग वो किस तरीके से काम करते हैं लेकिन ये बात दुरुस्त है कि आपकी बहुत सारी ऐसे स्नारी तब्दील हो चुके हैं आपकी ट्रेड की आपके बिज़नेस की आपकी फ्री लिबर्टी के आपकी रेगुलेशन के डी रेगुलेशन अगर आप इधर बिज़नेस मुकम्मल तौर पे बढ़ा चुके हैं तो आपको इजाज़त नहीं मिलती कई जायज़ मामला में भी आपको इजाज़त नहीं मिलती जिसकी वजह से आपकी सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर या क्वालिटी कौल, या के ऊपर या किसी जगह के ऊपर भी वो जरा लगा दें या एक क्वेश्चन मार्क लगा दें तो आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है लॉ so को समझना इतना ही लाजिम है जितना कि आप आंटरप्रनोर का किसी भी इनिशिएट को करना जरूरी है इसी तरीके से आप समझ लें कि बेरोक्रेसी को बेरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लॉ समझिए और इनको समझना उतना ही लाजिम है किसी आंटरप्रनोर के लिए जितना जैसे मैंने आपको बताया पूरे किसी ना किसी निज़ाम को समझना जरूरी होता है थैंक यू वेरी मच